जांजगीर चांपा जिले के जिला भाजपा उपाध्यक्ष के पद पर व्यास नारायण कश्यप ने इस्तीफा देते हुए बसपा का दामन थाम लिया है और जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। रायपुर से जांजगीर आने पर कार्यकर्ताओं ने इनका भव्य स्वागत किया। दरअसल कश्यप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जनता मेरे साथ है जो मेरी ताकत है। लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया था, पर भाजपा ने मुझे इस काबिल नहीं समझा और मैं बसपा जोगी कांग्रेस गठबंधन पार्टी ने मुझे मौका दिया और मैं पार्टी का सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। मैं इतने 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भी कहीं ना कहीं पे जिम्मेदारी दी थी, परंतु मैं जो चाहता था उस जिम्मेदारी तक मेरे से छोटे छोटे लोग बड़े बड़े जगह में पहुँच गए, परंतु मैं मेरी निष्ठा के अनुरूप मुझे वह सम्मान नहीं मिल पाया था। और मुझे तो इस बार पूरा आश्वासन था विगत कई महीनों से और चुनाव डिक्लेयर होने तक ही कि भाई आप हमारे उम्मीदवार हैं करके, परंतु नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, बात मन में थी कि जनता की सेवा करना है, बात पार्टी तो अपनी जगह थी, पार्टी से अपेक्षा थी कि भाई पार्टी की ओर से अगर अवसर मिलेगा तो बेहतर होगा, क्योंकि हमने उतने वर्षों तक उस पर काम किया है ना भाई। और रही बात वर्तमान चुनाव की, तो उस पर चुनाव पर हमारे जो कार्यकर्ता थे जनता से फीडबैक आए, नहीं भैया आप उम्मीदवार हो, और संयोग से बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस जी का जो अलायंस हुआ है उस अलायंस ने हमें प्रत्याशी बनाया है भाई, तो उनका भी हमें सम्मान करना है और कार्यकर्ताओं के हित के लिए और जनता के हित के लिए, क्योंकि विगत लंबे वर्षों से हमारी जो यहाँ की जनता है वो उन्हीं चेहरे को विगत 25 वर्षों से लगातार देख रही है, परिवर्तन की मांग थी, तो हम एक नया चेहरा बन करके इस क्षेत्र में आए हैं और उनसे हम आशीर्वाद चाहते हैं।